दोस्तों, क्या आप भी अमेरिका जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अमेरिका दे रहा है 85,000 लोगों को जो है नॉन इमिग्रेंट H1B वीजा। अगर आप भी ये वीजा पाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना होता है जो दोस्तों, ना ही ज्यादा कोई एक्सपीरियंस दिखाना होता है। बस आपके पास बैचलर्स की डिग्री या फिर बैचलर्स के ऊपर की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास है तो आप जो है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पर्टिकुलर सेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं दोस्तों? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, IT एंड मोर। ठीक है, इन सभी सेक्टर्स में जो है आपको अच्छी खासी जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। और तो और, आपको जो है वीजा के लिए बिल्कुल भी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको $10 का खर्चा करना होता है दोस्तों लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि करीब 800,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बाकी जो भी खर्चा होगा दोस्तों, वो एम्प्लॉयर की तरफ से होगा आपके लिए। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है दोस्तों, और कंपनी प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, थोड़ी बड़ी कंपनी होगी, तो उनका खर्चा जो है ज्यादा होगा दोस्तों। अगर छोटी कंपनी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली ही उनको फीस भरनी पड़ती है। ये सारी की सारी जानकारी जो दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है अच्छी तरीके से दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं H1B वीजा के बारे में, जो कि एक नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजा है दोस्तों। US जाना चाहते हैं, US में काम करना चाहते हैं, तो ये वीजा आपके लिए बेस्ट होने वाला है दोस्तों। इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, डजंट मैटर। आप अगर इस मतलब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं दोस्तों, तो आपको ये वीजा मिल सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि H1B वीजा होता क्या है, कैप्स वगैरह किस तरीके से डिसाइड होती हैं, कॉस्टिंग वगैरह क्या होने वाली है, सारी की सारी जानकारी जो दोस्तों आज की इस वीडियो में दूंगा। पहले जानकारी ले लेते हैं H1B वीजा की। H1B वीजा जो है दोस्तों, एक ऐसा वीजा है जिसके तहत US के एम्प्लॉयर्स जो है नॉन इमिग्रेंट्स को हायर कर सकते हैं, और स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए हायर कर सकते हैं दोस्तों, और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के साथ लोगों को हायर कर सकते हैं, और वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बुलाया वहां पर 10 साल रख लिया, नहीं, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन उनके लिए मतलब नॉन इमिग्रेंट लोगों को हायर करने के लिए जो है US के एम्प्लॉयर्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि USA में जो है कोई बंदा नहीं है सफिशिएंट इनफ, कोई ऐसा बंदा नहीं है सुटेबल इनफ जो कि उस पर्टिकुलर जॉब को करे, तभी उनको यह मौका मिलेगा कि भैया जाइए आप लॉटरी में हिस्सा लेकर के अपने लिए एक बंदा बुलाइए किसी भी कंट्री से। ठीक है, अगर वो बुलाना चाहते हैं तो उनको फीस भरनी पड़ती है जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, और आपको जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। अभी हर साल जो है कुछ कोटा सेट किया जाता है दोस्तों, तो हर साल जो है 65,000 वीजाज का कोटा सेट किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास बैचलर्स डिग्री है दोस्तों। ठीक है, और बाकी 20,000 वीजा का कोटा सेट किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके पास मास्टर या फिर मास्टर से ऊपर की डिग्री है दोस्तों। तो अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आपके आपके लिए मतलब पर्टिकुलरली 20,000 कोटा सेट किए गए हैं। आप 65,000 वाले कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, डजंट मैटर, लेकिन 20,000 जो है आपके लिए अलग से सेट किए गए हैं दोस्तों। यानी कि करीब 85,000 लोगों को जो है हर साल वीजा मिलता है दोस्तों। ठीक है, अभी इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप US इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां से आपको जो है सारी की सारी जानकारी बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बाउंडलेस करके जो एक वेबसाइट है दोस्तों, यहां पर आपको आसान भाषा में समझ में आएगी जानकारी, और वो मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है व्हाट इज द H1B वीजा। जैसे कि मैंने आपको बताया, द H1B वीजा इज अ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा दैट अलाउज US employers to hire foreign workers with specialized skills to work in the United States for a specific period of time. जैसा कि मैंने आपको बताया, वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पर। और कौन कौन से सेक्टर में? टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मोर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया जा रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि इस साल जो है एक और लॉटरी होल्ड होने वाली है 2024 में। ठीक है, सेकेंड लॉटरी, और उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए अगर आप जाना चाहते हैं तो। इसका लॉटरी का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। H1B वीजा एलिजिबिलिटी क्या होती है? ए वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम US एम्प्लॉयर फॉर अ रोल दैट रिक्वायर्स स्पेशलिटी नॉलेज। ऐसी कोई जॉब चाहिए होगी आपको US एम्प्लॉयर से जिस जॉब के लिए जो स्पेशलिटी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। प्रूफ ऑफ अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ठीक है, या तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर उसी लेवल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। योर एम्प्लॉयर मस्ट शो दैट देयर इज अ लैक ऑफ क्वालिफाइड US एप्लीकेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि भैया वहां पर कोई ऐसा बंदा है नहीं काम करने के लिए, तभी आपको जो है ये जॉब मतलब जॉब मिलेगी और ये वीजा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, कैप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों कि 85,000 कैप्स जो है हर साल डिसाइड किए जाते हैं। उन मतलब उस कैप का आप भी एक हिस्सा हो सकते हैं, आपको भी मिल सकता है दोस्तों उसके अंडर वीजा अगर आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो। आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग सेक्टर्स की जॉब के लिए जो है आपको अपने लिए एम्प्लॉय ढूंढना है दोस्तों। जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं या फिर जिस भी सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, उस सेक्टर में जॉब ढूंढिए, एम्प्लॉयर ढूंढिए। अगर एम्प्लॉयर मिल जाता है और वो आपको हायर करना चाहता है दोस्तों, तो आपको जो है उनसे एक पिटिशन 129 फॉर्म चाहिए होता है दोस्तों।
जिसके बाद जो है आपको ये वीजा मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर करने का कॉस्ट क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $10 होता है। इफ द एप्लीकेंट इज सक्सेस सिलेक्टेड और फॉर H1B वीजा द एम्प्लॉयर विल देन हैव टू पे $780। ठीक है, ये फॉर्म I-129 जो है पिटिशन जो होता है दोस्तों उसके लिए उनको $780 का जो है पेमेंट करना पड़ता है दोस्तों। अदरवाइज $460 का पेमेंट करना पड़ता है अगर वो छोटा एम्प्लॉयर या छोटी कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों। ठीक है, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर और कंपनी टू कंपनी, ये मैंने जैसे कि आपको बता दिया था दोस्तों। ये H1B वीजा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं वंस यू हैव बीन सिलेक्टेड टू अप्लाई फॉर ए H1B वीजा योर एम्प्लॉयर कैन बिगिन द प्रोसेस बाय फाइलिंग अ पिटीशन ऑन योर बिहाफ। अगर आप H1B वीजा के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर जो है आपके बिहाफ पे पिटीशन फाइल करता है अपनी कंट्री में। ठीक है, टू डू दिस योर एम्प्लॉयर विल नीड टू सबमिट अ लेबर कंडीशन एप्लीकेशन टू द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। उनको जो है एक LCA सबमिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को। द पर्पस ऑफ द LCA इज टू कंफर्म दैट योर एम्प्लॉयर विल पे यू द सेम वेज एज अदर सिमिलरली क्वालिफाइड वर्कर्स इन द सेम जियोग्राफिक एरिया एंड दैट योर वर्किंग कंडीशंस विल नॉट अफेक्ट अदर एम्प्लॉयज। जो वो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन जमा करते हैं इसीलिए जमा करते हैं दोस्तों ताकि उसमें वो प्रूफ कर सकें कि वो आपको जो है बराबर की सैलरी देने वाले हैं वहाँ पर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। US के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंपनी में जो US के सिटीजन्स हैं काम कर रहे हैं उनके बराबर की आपको सैलरी मिलेगी और आपके वहाँ काम करने से जो है किसी और को जो है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जो है वो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन सबमिट किया जाता है दोस्तों। जब ये सबमिट हो जाता है तो आपका मतलब एम्प्लॉयर जो है एक फॉर्म I-29 जो है वो कंप्लीट करता है और उसके बाद जो है वो आपको भेजता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ योर फॉर्म I-129 इज अप्रूव्ड देन देर आर टू ऑप्शंस फॉर यू डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी और नॉट। अगर आप वहाँ हैं तो उस पर अलग कंडीशन बनती है, अगर आप अपनी कंट्री में हैं तो उस पर अलग कंडीशन बनती है दोस्तों। मतलब पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें कि भैया जब ये सब कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है दोस्तों वो देखते हैं। आपको जो है अपने पासपोर्ट की जरूरत होती है, उसके बाद आपको जो है DS-160 फॉर्म की जरूरत होती है जो कि आपको वहीं से मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से। उसके बाद कॉपी ऑफ योर अप्रूव्ड I-129 पिटीशन I-797 अप्रूवल, ये सब वहीं से मिलने वाला है दोस्तों। रिसीप्ट्स शोइंग दैट यू हैव पेड योर एप्लीकेशन फीस, आपने अपने एप्लीकेशन का फी भर दिया है उसका रिसीट आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि US स्टेट डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है और इससे ज़्यादा आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके सवाल आपको मतलब जवाब आपको मिल सकते हैं दोस्तों। इन सभी जवाबों को देखने के लिए आपको खुद से इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बताता रहूँगा ना दोस्तों तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीडियो। आई होप मैंने आपको जो है मेन जानकारी दे दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है दोस्तों और किस तरीके से एम्प्लॉयर जो हायर करते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, अगर आप एम्प्लॉयर ढूंढना चाहते हो तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जिन जॉब पोर्टल्स के जरिए आप US में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो और सही एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आप वो प्रोसेस भी जानना चाहते हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं आपके लिए वो जानकारी भी लेकर के आऊंगा। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।